आज मैं बहुत लेट सोकर उठा और लेट इसलिए सोकर उठाऊं कि रात मुझे बहुत लेट नींद आई। चलो कोई ना, एक बहुत मशहूर कहावत भी तो है कि जब जागो तभी सवेरा। कहीं मेरा दिन उदास ना निकले इसलिए मैं नहा लिया। फिर एक तिनका लेकर मैं अपने डोगी के कानों के ऊपर जो बाल रहते उन पे लगाने लग गया। इस तिनके से काफी देर से मैं अपने कुत्ते को परेशान कर ही रहा था, तभी मुझे याद आया हमारे मोहल्ले में 2-4 दिन में शादी है। शादी के लिए कपड़े तो कंप्लीट हो गए मेरे, जो दर्जी की दुकान पे से लेकर आया हूँ। अगर मैं बारात में चप्पल पहन के चला गया तो मुझे बारात वाली फीलिंग नहीं आएगी। ये जूते मैंने पिछली सर्दियों में मवाने से खरीदे थे। इन जूतों को मैंने बहुत कम यूज किया है। इतने दिन से इन शूज को मैंने इसलिए यूज नहीं किया, मैंने ये सोच रखा था कि इन जूतों को किसी ब्याह शादी में यूज किया करूंगा। काफी दिन से ये जूते ऐसे रखे थे तो धूल मट्टी में बेकार हो गए। फिर मैंने इन जूतों को अच्छी तरह से धोकर लाकर लकड़ियों पे सुखा दिया। जूते और कपड़े दोनों ही कंप्लीट हो गए मेरे। इसके बाद मैं सिलाई मशीन से अपने कपड़ों की फिटिंग कर रहा था कि अचानक से मेरे घर के सामने आकर एक बाइक रुकी और उस बाइक पर दो बंदे आए जो किसान योद्धा की तरफ से थे। फिर उन्होंने बताया कि वे मेरी वीडियो देखते हैं। फिर इनके बाद मुझसे मिलने के लिए दूसरे भाई आ गए और ये वाले मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगे क्योंकि इनका कोई चैनल ही नहीं है।